बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? आज हमारा अब पीरियड है ड्राइंग का, ठीक है। हम पेज नंबर 3 की ड्राइंग आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपनी कलर पेंसिल के डब्बे में से, ये आपके पास कलर पेंसिल का डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे में से हम बहुत सारे कलर हैं, इसमें से आज हम रेड कलर भरेंगे अपनी तस्वीर में। कौन सा कलर भरेंगे? रेड कलर, ठीक है। तो ये रेड कलर इसमें से आप निकाल लें। मैंने रेड कलर निकाल लिया। इसके साथ साथ आपके पास एक नॉर्मल पेंसिल भी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये एक ट्रायंगल की तस्वीर है। ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसके तीन कोने होते हैं, जिसके तीन कोने होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो हमको ये एक ट्रायंगल दी गई है छोटी, जो रेड कलर की है। हमें इस बड़ी ट्रायंगल में भी रेड कलर भरना है, ठीक है। तो हम रेड कलर भरते हैं। सबसे पहले आप सब बच्चे जो ये वाली आउटलाइन है, इस आउटलाइन के साथ साथ एहतियात से कलर भरेंगे। इस आउटलाइन के साथ साथ एहतियात से कलर भरेंगे, ठीक है। क्योंकि आउटलाइन से कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए। आउटलाइन से बाहर कलर निकलने से कलर ख़राब भरा जाता है। तो हम पहले इसकी आउटलाइन के करीब करीब बहुत एहतियात से कलर भरेंगे, ठीक है। जब आउटलाइन में भर लेंगे तो फिर अब हम एक ही तरह से हाथ चलाते हुए, देखिए मेरा हाथ एक ही तरह से चल रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे हाथ चला रहे हो तो पूरी तस्वीर में ऐसे ही हाथ चलाना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी हम आउटलाइन पहले एहतियात से आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है। लाइन से बाहर कलर नहीं निकलना चाहिए। जिस बच्चे का कलर लाइन से बाहर निकलेगा उस बच्चे ने कलर गलत भरा होगा, ठीक है। तो अब हम अपनी तस्वीर में कलर भरते हैं तेज़ तेज़, ठीक है। तो मैंने अब कलर तेज़ तेज़ भरना शुरू कर दिया। जब आप आउटलाइन के करीब आएं तो अपना हाथ स्लो कर लें, और जब आप आउटलाइन से दूर जाएं तो आप अपना हाथ तेज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप आउटलाइन के करीब होंगे तो फिर आप अपना हाथ स्लो रखेंगे, ठीक है। सब बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये देखिए, मैंने आउटलाइन के करीब जब मैं जाता हूँ तो स्लो हो जाता हूँ, और जब मैं आउटलाइन से दूर जाता हूँ तो मैं तेज़ हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसे हम कलर भरते जाएंगे पूरी ट्रायंगल के अंदर। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें रेड कलर भरना है। कौन सा कलर भरना है? रेड। तो पहले हम आउटलाइन के करीब करीब एहतियात से हाथ चलाते हैं, और फिर जैसे ही
आउटलाइन से दूर जाते हैं तो हम तेज़ तेज़ हाथ भी चला सकते हैं, लेकिन इतना तेज़ नहीं चलाना है कि हमारा कलर आउटलाइन से बाहर चला जाए। सारे बच्चे एहतियात से कलर भरेंगे। रेड कलर भर रहे हैं हम ट्राइंगल में, ठीक है? फिर आउटलाइन बनाते हैं इसकी। जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो एहतियात से कलर भरेंगे ताकि आपका कलर बाहर ना निकल जाए, ठीक है? और जब आप आउटलाइन से दूर कलर भरें तो फिर आप हाथ तेज़ तेज़ भी चला सकते हैं, ठीक है? अब मैं नीचे वाली आउटलाइन में कलर भरूंगा। ठीक है, सब बच्चे एहतियात से कलर भरेंगे, कोई बच्चा भी कलर को बाहर नहीं निकालेगा। जो बच्चे कलर बाहर निकाल देंगे उनका कलर गलत हो जाएगा, ठीक है? चलें अब हम सब कलर भरते हैं इसमें। एक ही हाथ से कलर भरते हैं, एक ही तरह से हाथ चलाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ नहीं चलाएंगे, एक तरफ चलाएंगे बस, ठीक है? मैं अब इसमें कलर भरता जा रहा हूँ। जितनी जगह वाइट वाइट है वो सारी हमें कवर करनी है, कोई जगह भी वाइट ना रह जाए, ठीक है? थोड़ा सा दबा के अगर आप कलर भरेंगे तो डार्क कलर भरा जाएगा। अभी मैं बहुत लाइट वाले हाथ से कलर भर रहा हूँ, ठीक है? जिन बच्चों के पास कलर बहुत लाइट हैं वो बच्चे थोड़ा दबा दबा के कलर भरेंगे ताकि बिल्कुल रेड कलर हो जाए, और इसमें जितना वाइट वाइट आपको दिख रहा है वो सब गायब हो जाए, ठीक है? तो वाइट वाइट को हमें गायब करना होता है और सारी जगह पर रेड कलर डेवलप हो जाता है। तो ये देखिए सारा रेड कलर हो गया, लेकिन अभी तो इसमें बहुत सारी जगह पर वाइट वाइट कलर दिख रहा है। अब हम इस सब को रेड कलर, वाइट वाइट को छुपाने की कोशिश करेंगे अपने रेड कलर से।